और वो जो मेरी पहली यूट्यूब अर्निंग हुई है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं या फिर बहुत ही ज्यादा ज्यादा नहीं है, बट जितनी भी है मेरे लिए फर्स्ट पेमेंट के हिसाब से बहुत ही ठीक है। और मेरी जो पहली अर्निंग है वो है मात्र। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश सिंह। सो दोस्तों, बेसिकली आज के इस वीडियो को हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ना ही वो कोई एजुकेशनल टॉपिक है, ना ही वो कोई एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक है जिससे कि आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड होगी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी या फिर समथिंग। जो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है उससे मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है कि बेसिकली हाँ, डिजिटल वर्ल्ड में पैसा है। अगर सामने वाला बंदा पैसा अर्न कर सकता है तो मैं भी अर्न कर सकता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट कितनी आई, कहां से आई और मैंने कैसे क्या तरीके अपनाए जो कि मैंने अपने फर्स्ट पेमेंट की अर्निंग की है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं या फिर नहीं भी जानते हैं कि मैं पहले कुछ दिनों से YouTube पे वर्क कर रहा हूं। और जाहिर सी बात है, जब कोई बंदा YouTube पे वर्क करता है तो उसके दो ड्रीम होता है। पहला ड्रीम ये होता है कि YouTube पे मुझे सक्सेस मिले और सक्सेस मिलने के बाद लोग मुझे जाने, और दूसरा ड्रीम ये होता है कि मैं उससे अच्छी खासी अर्निंग कर पाऊं। तो बेसिकली मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि मैंने YouTube से कितनी ज्यादा अर्निंग की, कितने महीनों बाद अर्निंग की और ऐसे कौन कौन से मैंने तरीके अपनाए जिससे कि मेरी अच्छी खासी अर्निंग हुई। अच्छी खासी तो नहीं, बट जितनी भी हुई है मेरे फर्स्ट पेमेंट के हिसाब से बहुत ही ठीक है। जैसा कि आप सबको बताया, मैंने अपना YouTube चैनल क्रिएट किया था मंथ ऑफ अप्रैल में। अप्रैल में अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था और मैं वहां पर कंसिस्टेंट तरीके से वीडियोस डालता रहा। व्यूज नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने बोलते ना कि होप नहीं हारी, हार नहीं मानी, बट मैं वीडियोस क्रिएट करता रहा वहां पर। और वीडियोस क्रिएट करने के बाद बेसिकली क्या हुआ, मैंने वीडियोस बंद क्रिएट करना छोड़ दिया कि यार व्यूज नहीं आ रहा, छोड़ो हटाओ, मैं ये सब नहीं कर सकता। लेकिन कुछ दिनों पहले, आज से 10 से 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने जिसका टॉपिक था कि 200 रुपए लगाओ और लाखों कमाओ। शायद आप सबने वीडियो देखी भी होगी या फिर नहीं भी देखी है तो आप जाकर जरूर देखना। उस वीडियो वो जो वीडियो है मेरी चैनल पर पड़ी हुई है। उस वीडियो मैंने अपलोड किया तो उस वीडियो पर मेरे पुरानी वीडियो के मुकाबले अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला और अच्छे खासे रिस्पॉन्स के साथ ही साथ वहां से मेरी अर्निंग हुई। जी हाँ, आप सब लोग की बात जरूर सोच रहे होंगे कि इसकी यूट्यूब से अर्निंग हुई है, भाई इसके सब्सक्राइबर तो ज्यादा है नहीं, ना ही इसका चैनल मोनिटाइज है, मतलब ना ही इसके ऊपर एड्स आ रहे हैं, तो इसकी अर्निंग कहां से हुई। मैं बताता हूं बेसिकली मेरी अर्निंग कहां से हुई। जब मैंने वो वीडियो अपलोड की तो मैंने देखा खास यूट्यूब से व्यूज तो आए बट ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो सामने वाला बंदा है उससे कुछ पूछा था बट उतना रिस्पॉन्स मुझे मिल नहीं पाया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने उस वीडियो को उठाकर डाल दिया फेसबुक पर और फेसबुक पर कर दिया प्रमोट। प्रमोट करने के बाद क्या हुआ, उस वीडियो को देखकर मेरे पास अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब मेरी यूट्यूब वीडियो को लोगों ने देखा, लोगों ने मुझसे आस किया, मतलब पूछा कि बेसिकली भाई आपने 200 की इन्वेस्टमेंट लगाकर लाखों रुपए कैसे जनरेट किए थे। मैंने उस वीडियो में अपना स्क्रीनशॉट भी दिखाया था। तो बेसिकली मैंने उसमें क्या किया, जो 200 रुपए का प्रोसीजर था और अर्निंग करने के तक का फॉर्मूला था, मैंने उनको पेड प्लान लेकर, पेड कंसल्टेंसी देकर उनको हर चीज बताई। उनको हर चीज बताने के बाद मैंने हर बंदे से 1000-1000 रुपए चार्ज किया था, जिसमें मेरे पास अप्रोक्स 12 बंदे आए था जिनसे मैंने 1000-1000 रुपए चार्ज किए थे। और चार्ज करने के बाद बेसिकली मेरे पास अर्निंग हुई थी, देख सकते हैं आप मेरे बगल में, 11530 रुपए की। ये मेरी फर्स्ट अर्निंग थी जो कि मेरे यूट्यूब पेमेंट के द्वारा आई, ये कोई मोनेटाइजेशन के द्वारा नहीं आई, बट जैसे भी आई वो मेरे यूट्यूब वीडियो के द्वारा आई। आई होप गाइस कि ये जो मेरी छोटी सी पेमेंट है आप इसको देखकर समझ आया होगा कि डिजिटल वर्ल्ड में, एक यूट्यूब के वर्ल्ड में अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है फिर भी आप अर्न कर सकते हो अगर आपके पास थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी है तो। और साथ ही साथ अगर आपको ये जानना है कि जो 200 रुपए लगाकर लाख रुपए में आप अर्न कर सकते हो वो कैसे कर सकते हो, तो उस वीडियो को मेरे देखो या फिर मुझे मेल करो या फिर मेरे कमेंट सेक्शन जाकर मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो बेसिकली मेरा यही तरीका था और मेरा ये फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट था जो कि मैंने आपको शो किया। आई थिंक थोड़ा बहुत आप इससे इंस्पायर भी होंगे। अगर इंस्पायर हुए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पर एंटरप्रेन्योरशिप, स्टूडेंट से रिलेटेड, कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, अर्निंग अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड ऐसी ऐसी वीडियोज आती रहती जो कि आपका लाइफ बदलने में बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। मैं ऐसी ऐसी वीडियोस बनाता हूं जिसमें आपको ये पता चलने वाला है, और आने वाले समय में ऐसी वीडियोस क्रिएट करने वाला हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि आप कैसे, अगर एक कॉलेज के बंदे हैं तो आप कैसे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और एक स्टार्टअप आइडिया वर्क कर सकते हैं। बेसिकली मैं भी कभी स्टार्टअप आइडिया पर वर्क कर रहा हूं और इस पर मतलब जोरों तरीके से काम कर रहा हूं। तो आपको भी किस तरह स्टार्टअप आइडिया को फाइंड करना है, उसे लॉन्च करना है, अगर आपको सब तरीके जानने हैं तो प्लीज हमारे चैनल करिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद स्टे ट्यून्ड रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।